सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हमने समझा था कैसे तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण में, मतलब कैसे आवर्त में लाया जाए या कैसे उनका वर्गीकरण किया जाए, कैसे उनका एक पीरियोडिक वे में रखा जाए कि उनको पढ़ने में आसानी हो। और यहाँ तक हमने देखा था कि कौन कौन से वैज्ञानिक इस पर क्या क्या बात किए थे। जैसे हमने बात किया था डॉबर्नियर का त्रयक नियम, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूस, इसी में आते हैं लोथर मेयर, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। इन सारे वैज्ञानिकों का क्रम हम देखते हुए आए थे और हमको नेक्स्ट आज का लेक्चर जो है कि पढ़ना है मेंडलीव का आवर्त सारणी। चूंकि देखना यह है कि मेंडलीव साहब इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूस था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, उसमें कहा गया था, न्यूलैंड ने कहा था कि प्रत्येक पहला तत्व जो कि आठवें तत्व के, या बोला था जो आठवां तत्व है वो पहले तत्व क्या है, सिमिलर है। अर्थात इसी के आधार पर उसने अपने आवर्त सारणी, या उसका बोला उस, मतलब न्यूलैंड ने अपने सारणी को व्यवस्थित किया था। अर्थात बोला जाए कि तत्वों को अरेंज किया था और अरेंज करने का क्रम उनका था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी और क्या क्या इन्होंने अध्ययन किया, तो सबसे पहले इन्होंने देखा अन्य वैज्ञानिकों को कि अन्य वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, उनका मत क्या है। जो जिनके पास ज्ञाता थे, बहुत तगड़े वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने कहा ठीक है चलो परमाणु द्रव्यमान का अध्ययन किया जाए। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को अध्ययन किया और परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि सारे तत्वों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण द्रव्यमान के साथ मिलाकर पूरा अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि तत्वों को वर्गीकृत किया, अर्थात एक आधार बनाया रखने का, और आधार था इनका एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास का मतलब परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने तत्वों को फिर से व्यवस्थित किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने जब व्यवस्थित किया, तो उस समय जब इनकी आवर्त सारणी आई, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उस समय कुल 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? कुल 63 तत्व ज्ञात थे। अब इन्होंने 63 तत्वों को पढ़ना स्टार्ट किया, प्रत्येक 63 तत्व में सबको पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को भी देखा। इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ बातें बोला। इन्होंने बोला कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि तत्व के, नोट पॉइंट यहाँ हमने यहाँ लिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और ये बात किसने बोला? मेंडलीव साहब ने बोला। मेंडलीव साहब ने बोला कि तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब इस बात के आधार पर इन्होंने 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। जब इनका समय था, तो इन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई और उस आवर्त सारणी को मेंडलीव का आवर्त सारणी बोला गया। इस आवर्त सारणी में बाबू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सात आवर्त बनाए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ वर्ग बनाया। इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन्होंने आठ वर्ग बनाया। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में सात आवर्त बनाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता, तो विशेषता में ये बात थी कि इन्होंने बोला कि जो इनका आवर्त सारणी है, इसमें सात
सात आवर्त थे जबकि आठ वर्ग थे। क्या थे बाबू? वर्ग। वर्ग खड़े में बनाते हैं तो मैंने खड़े में बनाया, और आवर्त ऐसे क्षैतिज रहते हैं, तो ये देखो इसमें क्षैतिज आवर्त है। तो इन्होंने बोला कि सात आवर्त हैं और आठ वर्ग हैं, ठीक है, इन बातों को भी माना गया। परंतु ये आठ वर्ग तब बना, ये सात ही वर्ग बना रहे थे, आठ वर्ग इन्होंने ये बनाया इसलिए क्योंकि इस समय इनको ज्ञात हो गया इनर्ट गैसेस के बारे में। तो जब इनर्ट गैसेस के बारे में ज्ञात हुआ तो इन्होंने क्या किया, आठ ग्रुप बनाया और सात पीरियड बनाए जिसमें से इनर्ट गैसेस के लिए स्थान खाली रखे। और इन्होंने कई जगह ऐसे स्थान खाली रखा कि अगर तत्व तो मिलते हैं तो वहां पे व्यवस्थित कर दिए जाएंगे। जबकि इनसे पहले के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड, उन्होंने कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था। तो इनकी विशेषता ये थी कि इनर्ट गैसेस के बारे में ज्ञात हुआ और इन्होंने आठ वर्ग बनाया और रिक्त स्थान छोड़े। क्या छोड़े बाबू? रिक्त स्थान छोड़े। फ्यूचर में मिलने वाले तत्वों को रखने के लिए। बेसिकली यहां पर देखिएगा कि हमने कहा कि रिक्त स्थान छोड़े, ये इनकी विशेषता है, ये विशेषता हम बता रहे हैं। विशेषता ये है कि सात आवर्त थे और आठ वर्ग बनाए इन्होंने, इनर्ट गैसेस के बारे में ज्ञात हुआ और ज्ञात होने के बाद इनर्ट गैसेस के लिए भी रिक्त स्थान छोड़ा। यहां पर हमने लिखा रिक्त स्थान छोड़े फ्यूचर में मिलने वाले तत्वों को रखने के लिए। क्या इनकी विशेषता समझ में आई? कोई दिक्कत यहां पर? मुख्य बात आपको ये याद रखना है बाबू कि तत्व, ये जो मेन बात है यहां तक की, तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये किसने बोला? मेंडलीफ ने। अब मेंडलीफ ने इतनी बात बोलने के बाद यहां पर ये सारी तत्वों को, अर्थात बोला जाए अपने आवर्त सारणी में छोटे बड़े सारे तत्वों को जगह दिया। तो अगर विशेषता की बात, एक और बात कह दें हम यहां पे, तो अगर एक और बात बोले तो बुरी बात नहीं। हम यहां पे लिख रहे हैं कि छोटे बड़े सभी तत्वों को आवर्त सारणी कौन सी वाली? मेंडलीफ वाली, या ऐसे देखो आवर्त सारणी में रखा। छोटा लाइन लिखेंगे कि छोटे बड़े सभी तत्वों को आवर्त सारणी में रखा या आवर्त सारणी में जगह दिया। सर तो क्या सब काम इन्होंने किया तो आज हम इनको पढ़ते क्यों नहीं है और आज इनकी आवर्त सारणी दिखती क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखती? क्योंकि तत्व बढ़ते गए, क्रम बढ़ता गया और तत्वों के बारे में हम लोग अध्ययन और करते गए तो वैज्ञानिकों ने उनके बीचों में जो इन्होंने आवर्ती फलन जो बताया परमाणु द्रव्यमान का, वो आवर्ती फलन कुछ और देखने को मिला। तो यहां से मेंडलीफ की आवर्त सारणी फ्लॉप होने लगी। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनने के साथ साथ मेंडलीफ का जो विशेषता था उतना ही के हिसाब से 9 के बराबर हाँ ही इनका ड्रॉबैक था, मतलब कि इनकी कमियां थी। तो अगर हम बात करें कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी, तो कमियां ये थी बाबू कि इसमें इन्होंने पहली बात कि हाइड्रोजन को स्थाने नहीं दिया। कैसा स्थान? निश्चित स्थान नहीं दिया। पहली बात कि जो हमारे मेंडलीफ साहब थे, आज भी आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवारत तो बोला जाता है, लेकिन मेंडलीफ साहब इसके बारे में बात ही नहीं की और निश्चित स्थान नहीं दिए। दूसरी बात, समस्थानिक पर बात नहीं किए।
परमार्थ द्रव्यमान के आधार पर ये बात कर रहे थे तो इनको समस्थानिक में बात करना चाहिए था। समान स्थान वाले तत्वों को इन्होंने कहीं रखा ही नहीं, मतलब समस्थानिक पर बात नहीं की, तो ये इनकी कमियां रह गई। अब इन सारी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन सब में इन सब कमियों को दूर करने के बाद बताया गया कि तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, जो कल हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। परंतु ये जो मेंडलीव बोले थे कि तत्व के भौतिक रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, इन बातों को गौर से फरमाइएगा और आराम से एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। विशेषता ये रही, खामियां या कमियां या ड्रॉबैक ये रही। काम इन्होंने अच्छा किया, 63 तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व को व्यवस्थित करना आसान नहीं था उस समय, तो इनको नोबल प्राइज मिलना चाहिए था, मिलते मिलते रह गया या मिल गया। अब इस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, परंतु यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेसिकली आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के टाइम, न्यूलैंड के टाइम 56 तत्व थे, ठीक है। इनकी सीमा कुछ नहीं थी, ये सब जगह अपने आप को व्यवस्थित किए, बस थोड़ी सी कमियां रह गई जिसको परिपूर्ण नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए। अच्छा, लंबे समय तक मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी गई, ऐसा नहीं है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जैसे आई फ्लॉप हो गई, फ्लॉप करने में लंबा समय लगा, लंबे समय तक इनको पढ़ना पड़ा और इनको पढ़ा गया मेंडलीव आवर्त सारणी, एक एक तत्वों को इन्हीं के हिसाब से जैसे ये क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किए थे वैसे ही पढ़कर समझना पड़ा। लेकिन जैसे ही मोज़ले या बोला जाए आधुनिक आवर्त सारणी जैसे ही आई, इनकी बातें खत्म होने लगी, इनका अस्तित्व खत्म हुआ। परंतु आज भी है, क्योंकि क्रम इनका ही लोग था, इन्हीं लोगों ने क्रम बनाया और क्रम बनाने के बाद आज हमको आधुनिक आवर्त सारणी और बेहतर आवर्त सारणी देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे तत्वों के बारे में और अध्ययन होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में भी बदलाव आएगा, तत्व खोजे जाएंगे तो और तत्व रखने की व्यवस्थाएं बनेंगी। ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी, इनको संभालिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सो थैंक यू।